करनाल को लोग करते हैं लोकतंत्र के महापर्व पर। और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं आज ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी उसी तरीके की कतारें नजर आ रही है। देखिए ये 2019 का लोकसभा चुनाव जैसा हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र के महोत्सव ये होता है देश भर में, और इस बार मुझे लगता है 2014 से भी ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये उत्साह मुझे लगता है देश को, देश की जनता, देश के प्रति जो सचेत हुई है और देश के प्रति जो दृष्टिकोण बना है कि अगर हमको देश को ठीक दिशा में लेकर के जाना है तो इस बार चुनाव जो है वो मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। अति उत्साह के साथ लोग आज हरियाणा में सभी 10 सीटों पर पोलिंग लाइनों में लगे हैं। जैसा आपने पूछा बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरों में भी लंबी लाइनें लग गई हैं, बहुत स्थानों पर 20% से भी ऊपर पोलिंग हो चुकी है। आप भी सुबह चंडीगढ़ से बाय ट्रेन करनाल तक पहुँचे अपने मताधिकार के उपयोग के लिए, क्या कुछ रास्ते में भी लोगों की चर्चा हो जिस तरीके से पिछले कई दिनों तस्वीरें थी आपने कई जगहों पर दुकानदारों से, कहीं व्यापारियों से, कहीं किसानों से चर्चा करते नजर बात हुई तो लोग अपने आप आगे बढ़ करके बधाई दे रहे हैं और आगे बढ़ करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। ट्रेन में बहुत लोगों से नहीं, क्योंकि जल्दी ट्रेन चलती है तो उस प्रकार से उनसे चर्चा नहीं हुई, लेकिन बाद में आने के बाद जाता हूँ वहाँ रास्ते लोग मिलते हैं, उस प्रकार का आज भी हुआ है और लोग बड़े उत्साह से इस चुनाव में भाग लेते हैं। और मैं सोचता हूँ 2014 से ज़्यादा उत्साह 2019 के चुनाव का क्या जान सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो इस लोकतंत्र महापर्व की सबको बधाई देता हूँ और आम जन जो इस लोक महातंत्र के अंदर बाहर उमड़ करके आ रहा है और लोग इस देश को, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, देश को खुशहाल देखना चाहते हैं और ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, कुरुक्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि अपना मतदान निकल करके करें और इस राष्ट्र को मजबूत करें। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। ख्याल है और आज जहाँ पर भी बात करते हैं नमो नमो हो रहा है। बहुत खुश हूँ कि मैंने नीचे रखो भारत के प्रजातंत्र का जो ये एक त्योहार है उसमें पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पर मेरे क्षेत्र के 18.5 लाख लोग जो है मतदाता वो आज अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो रहने वाला है और जनता विकास को वोट दे रही है, मोदी जी को वोट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को वोट दे रही है। राजे जी आप किसको वोट डाल कर रहे हैं? मैं तो अपने आप को ही डाल के आया हूँ। आप शैलजा जी को अपनी बहन कहते हैं? जहाँ पर वो रिश्ते निभाने की बात है वहाँ पर वो रिश्ते भी निभाते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र का त्योहार वो त्योहार है और ये इट इज कमिटमेंट टूवर्ड्स अवर आइडियोलॉजी टू अवर नेशन के भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्र को महान राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है, उसी में जो है हम काम कर रहे हैं। रहा कुमारी शैलजा की, वो तो आज एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ी है जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। कटारे जी अगर कुछ एक शिकायतें हैं या ईवीएम शायद लेट हुई है, टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, जहाँ जहाँ पर भी कोई समस्या आ रही है हमारे कार्यकर्ता उसका समाधान कर रहे हैं। मैं भी अब वोट डालकर निमट गया हूं, जहां पर भी कोई इस प्रकार की बातचीत आएगी हम अवेलेबल हैं शाम तक सब मतदान। किस तरह का माहौल देख रहे हैं यदि पंचकूला की बात? ये पंचकूला का, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो मैं समझता हूं उसके अंदर आज सबसे ज्यादा वोटिंग का मामला है। लोकतंत्र के अंदर वोट डलनी चाहिए, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मैं जनता से अपील करूंगा। जहाँ तक माहौल की बात है पूरे पंचकूला के अंदर एक तरफा माहौल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोई उनका टेंट नहीं लगा, और टेंट लगा हो तो उसके अंदर कोई उनका कार्यकर्ता भी नहीं बैठा। इस प्रकार की स्थिति आज पहली बार देखने को हमें मिली है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने सरेंडर कर दिया। यहाँ जी बहुत सारी मशीनें जगह जगह पर खराब थी, बहुत सारे बूथों के ऊपर ऐसा हुआ है, जिले में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने भारी लेवल के ऊपर मशीनें खराब हुई हों, कितना नुकसान देखते हैं? देखिए इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ,
ये पहली बार इतने बड़े हाई लेवल के ऊपर मशीनों के अंदर खराबी देखी गई है, और निश्चित तौर पर मशीनों खराब होने से एक एक घंटा लोग वेट करके वापस चले गए हैं, और उससे उसमें से कितने प्रतिशत वापस आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है। कितने आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए? 110% भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी।